हुकूमत तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 2020 की दरख्वास्तों की रकूमात अब तक जारी नहीं की गई है, जबकि 2022 में दरख्वास्तें दाखिल करने वाले तलबा की स्कॉलरशिप मंजूर हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप की रकूमात की इजराई में ताखीर से मुतालिक दरियाफ्त करने पर इंकशाफ हुआ कि महकमा अकलीती बहबूद की जानिब से बिलों की रवानगी के बावजूद महकमा फाइनांस उन तलबा की खातों में रकूमात मुंतकिल करने से खासिर है जिन्हें स्कॉलरशिप मंजूर हो चुकी है। बताया जाता है कि जिन जिला की दरख्वास्तें गुजारों की तादाद कम है वहां तलबा के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप्स की रकूमात जारी की जा रही और हैदराबाद निजामाबाद रंगारेड्डी मलकाजगिरी मिर्चल के दरख्वास्त गुजारों को रकूमात की मंजूरी और उनके खातों में मुंतकली की ऑनलाइन तफसीलात फराहम करने के बावजूद भी उन्हें रकूमात नहीं मिली है, जो कि महकमा अकलीती बहबूद और महकमा फाइनांस की लापरवाही का नतीजा है। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप्स की मंजूरी को नजर में रखते हुए जो तलबा बैरून मुल्क जामियात में दाखिला लेकर इस उम्मीद के साथ रवाना हो चुके स्कॉलरशिप की उजराई के बाद तालीम के लिए लिए गए खर्च की अदायगी कर दी जाएगी, उन तलबा के वालिदैन और सरपरस्त अब खर्च के बोझ से मसाइल का शिकार है, क्योंकि हुकूमत से स्कॉलरशिप की उजराई में 2 साल तक की ताखीर तलबा के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की तकमील होने लगी है और जिन लोगों ने खर्च दिया था वो अब खर्च की वापसी पर जोर दे रहे। हैदराबाद के तलबा को स्कॉलरशिप की उजराई में ताखीर पर कहा जा रहा कि महकमा फाइनांस से बिलों की वसूली के बावजूद भी रकूमात की अदम उजराई की बुनियादी वजह महकमा अखिलती बहबूद से बर वक्त मुनासिब पैरवी ना किया जाना है।